आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजगंज क्षेत्र में एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान मरीजों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची रकाबगंज थाना पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिला अस्पताल में तीमारदारों की जमकर गुंडागर्दी दिखाई दी। एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। जिस अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं उस अस्पताल को ही निशाना बना लिया गया। ताजगंज का रहने वाला आमिर बाइक पर जा रहा था, अमर होटल के पास खड़ी एम्बुलेंस में टकरा कर गिर गया जिससे पैर में चोट आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को लेकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों के देखने पर पता चला कि आमिर के पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से इलाज करने में अनभिज्ञता जता दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही। ऑल द नोडल ऑफिसर्स वर देयर, एसएसपी हिमसेल्फ वाज देयर। मेरे पास तो वहाँ संज्ञान में ही आया कि 11 बजे करीब कोई 1 से 8 एम्बुलेंस से कोई मरीज आए जिनको चोट थी, उसको इलाज यहाँ मिल रहा था, पेपर वर्क तैयार हो रहे थे और डॉक्टर साहब ने ये उचित उसमें पाया कि इनका इलाज अब यहाँ नहीं हो पाएगा, ये हायर सेंटर के लिए रेफर किए जाएंगे। उसी प्रक्रिया में कागज़ बन रहे थे, इसी बीच में उनके जो तीमारदार थे जो भी थे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, डॉक्टरों से गाली गलौज शुरू कर दिया, स्टाफ से भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसी बीच में कॉल करके कुछ लोगों को बुला लिया, डंडे लेके उन्होंने पूरी इमरजेंसी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, डॉक्टर को गिरा गिरा के मारा। डॉक्टरों ड्यूटी को अभिलेख थे जो सरकारी, उनको सबको फाड़ दिया। आप खुद भी देख सकते हो जाके उन्होंने कितना तहस नहस किया इसे। दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात सुनकर आमिर की बहन ने हंगामा शुरू कर दिया। फोन पर परिवार के अन्य लोग भी आदम के। देखते ही देखते लड़के जिला अस्पताल पहुंच गए और चिकित्सकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अस्पताल में जो भी कर्मचारी सामने आया उसको बेरहमी के साथ पीटा गया। अस्पताल के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया गया। कुर्सी मेज कंप्यूटर को भी इधर उधर फेंक दिया गया। सभी को तोड़ दिया गया। सभी के साथ अव्वल दर्जे की बदतमीजी की है और प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान किया है। मैंने एसएसपी साहब के संज्ञान में लाया, उससे पहले सूचना हो चुकी थी, तो उसमें रकाबगंज इंस्पेक्टर तोमर साहब तुरंत आए, उनको पकड़ के शायद थाने ले गए, तो उसमें कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है और तहरीर मुकदमा लिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल लिखाएंगे, क्यों नहीं लिखाएंगे। भय के माहौल में पूरा स्टाफ ने अभी काम सस्पेंडेड है, जब तक पूरी सुरक्षा हमको नहीं मिल जाएगी पुलिस प्रशासन से, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलेगा तो काम पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ कोरोना वायरस के भी कुछ मरीज अभी आए हुए हैं, मुझे उनको भी मैनेज करना है। सीएमआई डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा का कहना था कि अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों ने चिकित्सकों से हद दर्जे की बदसलूकी की, मारपीट तोड़फोड़ की, गेट उखाड़ कर फेंक दिया। तीमारदारों ने जमकर तांडव मचाया जिससे इमरजेंसी में भर्ती मरीजों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सभी दहशत में आ गए। इस मामले में थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मौके पर जो सूचना मिली तत्काल में यहाँ पर मौके पर आए, जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की। मरीज के साथ में जो आते हैं घर वाले परिवार के परिजन आते हैं उनके द्वारा ही आगे यहाँ पर तोड़फोड़ करा की गई है। हाँ बिल्कुल किया जाएगा कानूनी कार्रवाई। अभी तो 3 लोग उसमें हिरासत में लिए गए हैं और बाकी जानकारी की जा रही कौन कौन थे, यार ये 3 ही लोग थे। प्रभारी निरीक्षक रकाबगंज विकास तोमर का कहना है कि अस्पताल में इलाज को लेकर चिकित्सकों से मामूली विवाद हुआ था, इस पर तीमारदारों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। फैजान सादाब समेत 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद भागे लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीएमएस महोदय द्वारा हमें बताया गया था कि एक झगड़े की सूचना है अस्पताल में, कुछ लोग तोड़फोड़ और डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर, उसी सूचना पे हम लोगों ने कुछ फोर्स को रवाना यहाँ से किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। कुछ छोटा सा मामला था उसी को लेके ये झगड़ा हुआ है। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद का कहना है कि जिला अस्पताल में झगड़े की खबर मिली थी, रकाबगंज पुलिस ने मौके पहुंचकर मामले को शांत करा दिया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा। आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।